ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से सभी भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में मनाए जाने वाले नवरात्रि उत्सव में विशेष शिव शक्तियों की आराधना होती है, तो आइए हम जानें शिव शक्तियों का आध्यात्मिक रहस्य। सदियों से भारत भूमि पर देवियों की पूजा अर्चना अपनी परंपरागत विधि विधान के साथ होती आ रही है। इतनी पवित्र, उज्जवल, सर्व गुणों से संपन्न, अपने प्रभा मंडल पर दिव्य तेज बिखेरे इन शिव शक्तियों की यादगार में नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। भक्तजन बड़े श्रद्धा भावना से, उमंग उत्साह से मनाते आए हैं। इस त्योहार के प्रारंभ में ही लोग कलश की स्थापना करते हैं और उसमें अखंड दिया जगाते हैं। वो लगातार 9 दिन और रात जगता रहता है। वास्तव में वो कलश इस मिट्टी के बने हुए नाशवंत शरीर का प्रतीक है और अंदर जलता दिया अविनाशी आत्मा का प्रतीक है। ज्ञान घृत से सदा आत्म ज्योति जगाना सही रूप में नवरात्रि मनाना है। भक्त इन दिनों कन्या पूजन करते, जागरण, व्रत उपवास, गरबा रास करते तथा दुर्गा, काली, सरस्वती आदि का पूजन करते हैं। प्रश्न उठता है कि आदि शक्ति का क्या स्वरूप है, इन देवियों का क्या वास्तविक परिचय है और अतीत काल में कन्याओं ने क्या महान कार्य किया जिसकी स्मृति में आज तक नवरात्रि में उनका विशेष पूजन होता है। वास्तव में ये देवियाँ शिव की संतान है, जो शिव शक्तियाँ अथवा ब्रह्मा पुत्रियाँ कहलाती है। शिव और शक्तियों का शुरू से ही संबंध दिखाया जाता है। आसुरी शक्तियों के बढ़ने पर उनके अत्याचार से संसार को मुक्त करने के लिए वर्तमान में चल रही अज्ञान अंधकार वाली रात्रि में शिव द्वारा शक्तियों की रचना हुई। शिव की याद में शिवरात्रि और शक्तियों की याद में नवरात्रि मनाई जाती है। शिव शक्तियाँ सर्व दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति का अमर वरदान देकर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली माँ जगदम्बा। सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा शिव से प्राप्त ईश्वरीय शक्ति द्वारा विकार रूपी महिषासुर का नाश करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा का सर्व मनुष्य आत्माओं को ज्ञान धन और गुण रूपी हीरे मोतियों से सुसज्जित कर सुख समृद्धि का अखुट भंडार देने वाली सर्व की आराध्य देवी माँ लक्ष्मी। ज्ञान वीणा की झंकार द्वारा मानव को अज्ञान अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली श्वेत वस्त्र धारिणी हंस वाहिनी तपस्विनी माँ सरस्वती। मनुष्य आत्माओं पर लगे हुए आसुरी संस्कारों के कलंक को मिटाने वाली शिव शक्ति माँ काली। विषय विकार मिटाकर सर्व मनुष्य मात्र में पवित्रता का प्रकाश भर उन्हें देवत्व प्राप्त कराने वाली माँ वैष्णो।
दुखी हताश मनुष्य आत्माओं में उमंग उत्साह दिलाने वाली माँ उमा देवी। विषाद में डूबे मनुष्य मात्र के दुखों को दूर कर सदा प्रभु गुणगान करके सबके मन को हर्षाने वाली आनंदमयी माँ गायत्री। उज्जवल निर्मल सर्व ईश्वरीय प्राप्तियों से संपन्न असंतुष्ट आत्माओं को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणि राजयोगिनी शिव शक्ति माँ संतोषी। इन शिव शक्तियों ने ज्ञान शस्त्रों से महिषासुर मधु कैटभ चंड मुंड अर्थात काम क्रोध लोभ मोह अभिमान रूपी असुरों का नाश किया था। असुर कोई अलग योनि नहीं बल्कि इस कलियुगी दुनिया में विकारों और दुर्गुणों से युक्त मनुष्य की अवस्था का नाम है। देवी माँ की अनेक भुजाएं यह शिव परमात्मा से प्राप्त अनेक ईश्वरीय शक्तियों की निशानी है। जब जब हुई धरती से पुकार शिव शक्ति बनी विश्व आधार। सृष्टि का नव निर्माण करने के लिए परमपिता परमात्मा शिव ने अपने साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा एक अनोखी विधि अपनाई। उन्होंने जन्म जन्मांतर से अपमानित और अबला समझने वाली नारी को आत्मज्ञान का बोध कराया। तो आइए इन विकारों रूपी असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए परलोक निवासी परमपिता परमात्मा शिव का ध्यान करें अर्थात उपवास करें, आत्म ज्योति जगाए रखने का जागरण और दिव्य संस्कार मिलन की महारास करें और पूज्यनीय देवी या देवता का पद प्राप्त करें।